नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं ओलीमेल्ट 2.5 mg टेबलेट के बारे में। ओलीमेल्ट 2.5 mg टेबलेट को मशहूर कंपनी इंटास फार्मा बनाती है, जिसकी प्राइस है ₹50 पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट डाला गए हैं वो है ओलेंजापाइन 2.5 mg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। ओलीमेल्ट 2.5 mg टेबलेट एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जिसे मेनिया की समस्या में और सिजोफ्रेनिया की समस्या में यूज करते हैं, या यूं कहे कि ये मानसिक बीमारियों की बेहतरीन दवा है। यह दवा आपके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल मैसेंजर के काम करने के तरीके को या फिर उनके काम को रोकने का काम करते हैं और आपकी मनोदशा, विचार और स्वभाव को बेहतर बनाते हैं। बात करें मेनिया की, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का जो मूड है वो कभी एकदम से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाते हैं और बहुत अच्छा हो जाते हैं, और एकदम से कभी खराब हो जाते हैं। पेशेंट इसमें नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में इसका यूज काफी अच्छा है। और अब बात करें सिजोफ्रेनिया की, तो एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की सोचने की क्षमता, उसका व्यवहार और उसकी जो फीलिंग्स है उनमें असामान्यता रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि उस इंसान को भ्रम होना और आपकी जो मनोदशा है, आपका जो बिहेव है, आपके जो विचार है उनमें काफी ज्यादा चेंजेस नजर आ सकते हैं आपको। तो ऐसे में टेबलेट आपके ब्रेन में उन केमिकल मैसेंजर के जो असंतुलन है उनको ठीक करने का काम करती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऐसे बदलाव आते हैं। इनके अलावा कई बार डॉक्टर से डिप्रेशन की स्थिति में, एजुटेशन की समस्या में और बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या में आपको इसमें लाने का दे सकते हैं। कई बार मरीज जो ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, छोटी छोटी बातों को बार बार सोचता रहता है और मनी मनी बातों को बहुत बड़ा इश्यू बना देता है, और इन्हीं कारणों की वजह से उसे रात को नींद नहीं आती। तो ऐसे में भी इस टेबलेट का यूज मरीज को आराम देता है, काफी इफेक्टिव है। होता क्या है कि इन बीमारियों की वजह से, ये जो छोटी छोटी बीमारियां, इनकी वजह से पेशेंट को भूलने की बीमारी होने लग जाती है। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आप घर से कोई चीज लेने बाहर आओ और बाहर आकर आप जो भी लेने आए हो वो एक्चुअल में वो चीज भूल जाते हैं आप लेने आए क्या थे, और धीरे धीरे ये समस्या बहुत बड़ी होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपके डॉक्टर ने जो भी आपको एंटीसाइकोटिक दवाएं दी उन्हें आप टाइम टू टाइम ले जरूर। जानते हैं इसके साधनों के बारे में, तो अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट मदर है या फिर आपको कोई भी सीवियर डिजीज है, तो इस सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। इसके यूज के टाइम आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है, और इसके यूज के अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो इसके यूज से आपका वजन बढ़ सकता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको इन सभी का आपको रेगुलर चेकअप कराना है। जानते हैं इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है वो है एक टेबलेट रात को सोते टाइम आप इसे ले सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी कंडीशंस अलग है तो ऐसे में इसका डोज चेंज भी हो सकता है। कई बार डॉक्टर से दिन में दो बार भी आपको लेने के कह सकते हैं, और इसे लंबे टाइम तक आपको लेने कहा जाता है, और जब इसे बंद किया जाता है अगर आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे तो इसे आपको एकदम से बंद नहीं करना है, इसे धीरे धीरे बंद किया जाता है। जैसे कि अगर आप सुबह शाम ले रहे हैं तो इसे सबसे पहले आपको दिन एक बार लेने कहा जाएगा, फिर आप इसे एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे आपको लेने कहा जाएगा, और फिर अगर आप 10 mg टेबलेट ले रहे हैं तो उसको 5 mg किया जाएगा। इसे आपको धीरे धीरे इसको बंद करने की कहा जाता है। बात करें इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे आपको नींद आना, चक्कर आना, कब्ज की समस्या रहना, आपके खून में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है और आपको झटके लग सकते हैं। ये जो साइड इफेक्ट है ये कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम में आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन रहती है तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।